फाइनली इंतजार खत्म हुआ और IIST इसरो इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IIST, आपने नाम तो सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज बॉन्डिंग विद इसरो इंडिया। एंड इफ यू आर कंप्लीटेड BTech UG कोर्स फ्रॉम द IIST, देन इंडिया का एक ऐसा लीडिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे जो आप IIST से कोर्स करके डायरेक्ट इसरो के अंदर एंट्री ले सकते हो। ऐसा ऑप्शन आपके पास टॉप IIT में पढ़ने के बाद भी नहीं है, लेकिन हाँ IIST से अगर आप पढ़ते हैं देन जो है आपको इसरो में डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद ये जो है टॉप आपको जो भी है रिसर्चिंग वगैरह या फिर जॉब आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी पर देखें अगर IIST का तो यार रिलीजिंग डेट जारी कर दी गई है, 5 सितंबर से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और 5 सितंबर से आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। आपके जो रजिस्ट्रेशन है आई थिंक टिल 22-21 सितंबर तक है, ओके नहीं सॉरी 13 या फिर 12-13 सितंबर तक है, जैसा कि हम आगे देखेंगे वेबसाइट पे क्या क्या सारी डिटेल्स हैं। IIST की अगर मैं बात करूँ तो यार टिल जो है स्पोर्ट राउंड वगैरह काउंसलिंग जो है थोड़ी सी कंजस्टेड होती है इसके अंदर, जो सब वगैरह जैसे नॉर्मल काउंसलिंग नहीं होती उसके अंदर। अगर अपन काउंसलिंग की प्रोसेस की बात करें तो पिछले कुछ साल के वीडियोज आपको फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब अपन देखें यार IIST के एडमिशन के क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले जो है आपके JEE एडवांस के बेस आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे आपके JEE एडवांस का है, ठीक है। आप सारी की सारी डिटेल डालने के बाद रजिस्टर करते हैं, आप जो है अपनी फीस जो है पेमेंट करते हैं IIST के पोर्टल पे। जैसे आप फीस जस्ट लाइक पेमेंट करने के बाद आपका राउंड अलॉटमेंट आता है, जैसे आपका फर्स्ट अलॉटमेंट है, पहले तो थोड़ा सिंपल ही प्रोसेस चलता है, जैसे आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फिर जो है उसका एक थोड़ा सा ऐसा होता है न्यू जस्ट लाइक कि आप जिंदा है कि नहीं, आप काउंसलिंग में है कि नहीं है, तो आपको जो वहाँ पर रीवैलिडेशन करता है हर 2-3 राउंड के बाद रीवैलिडेशन होता है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को वैलिडेट करना पड़ता है। बिकॉज उनको जस्ट जो सर्वर वगैरह इश्यू के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हर राउंड के अंदर निकलते हैं, यानी कि जैसे आपने IIST में रजिस्ट्रेशन किया, आपका किसी रीप राजस्थान में, IKGPTU में, MPDT में या फिर बहुत सारी काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है, तो वो जो बच्चे वो डायरेक्टली वहां से जो है निकल जाते हैं या फिर फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, स्पेशली चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो रीवैलिडेशन हो, ठीक है। अगर अपन देखें लास्ट राउंड में तो टिल जो लास्ट एडमिशन्स होते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर बेसिकली बहुत मजा आता है, 2 घंटे का राउंड होता है, जैसे कि आपको 10 बजे अलॉटमेंट आया तो 12 बजे तक आपको फीस पे करना है। अगर अपन यार देखें स्पेशली रैंक वाइज IIST में कितने तक मिल जाता है, तो आपकी जो है JEE एडवांस में टिल 10,000 के आसपास रैंक आ रही है JEE एडवांस के अंदर, देन यू आर सेफ। वैसे जो है रैंक काफ़ी ज़्यादा तक जाती है, ठीक है। स्पेशल काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ले सकते हो और जस्ट कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द जिन भी बच्चों के जितनी भी रैंक है स्पेशली इन JEE एडवांस, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कितनी रैंक आ रही है और किस बेसिस पे जो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, स्पेशली SC OBC ST PWD जनरल, ओके जितने भी बच्चे हो। एंड IIST की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, स्पेशली एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करूँ एरोस्पेस की तो आई थिंक 5 IITs हैं एंड एक IIST सिपुर हो गया, एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ हो गया जो कि एरोस्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड कल्पना चावला इज द फेमस एलुमिना इन द इंडिया एंड वो परस्यूइंग द BTech फ्रॉम द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो भी, IIST है, 2 NITs मान सकते हो एंड 5 IITs, तो टोटली देख सकते हो कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो कि एरोस्पेस प्रोवाइड करता है। और बेसिकली यहाँ पे जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो एरोस्पेस का ही होता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे, जिन बच्चों का IIST में नहीं हो जस्ट लाइक इसरो वगैरह में नहीं होता, बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी आती है एंड ऑलमोस्ट स्टूडेंट वांट टू गोइंग फर्दर, ठीक है, जस्ट लाइक अदर स्टेट। एंड आपकी जो इंटर्नशिप है वो नासा का जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हमारे इसरो का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, IIST वैसे नासा का जो इंस्टीट्यूट है वो JPL है, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसका जो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने डाल कि एविएशन वाला पे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी नया चैनल है, ठीक है, उसका सपोर्ट करिए, एविएशन वाला यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, स्पेशली जो एरोस्पेस वाले बच्चों के बहुत काम की चीज है वो, ठीक है। JPL की सारी की सारी हिस्ट्री मैंने डाल रखी है कि JPL क्या था, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैसे नासा स्टार्ट हुआ, क्या सारा सीन है, वहां पे एडमिशन कैसे मिलता है, राइट।
एरोस्पेस के लिए पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। और यार इसरो वाले बच्चों की, आईएसटी वाले बच्चों की जो है डायरेक्ट इंटर्नशिप भी हो जाती है आईएसटी से डायरेक्ट नासा, ठीक है, एंड जस्ट लाइक जेपीएल वगैरह में कटो वगैरह का सारा डिटेल वीडियो आ रहा होगा इंजीनियरिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। तो कितने चैनल सब्सक्राइब कराओगे भैया? तो बेसिकली 3 चैनल तो आपको करने ही पड़ेंगे। इंजीनियरिंग वाला, एविएशन वाला पे आपको एरोस्पेस मिलेगा, फ्यूचर ऑफ इंडिया पे पिछले कुछ सालों के वीडियोज पड़े हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार से सब्सक्राइब करने के बाद खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। और जो है आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं, या फिर पेड काउंसलिंग प्लान, या फिर मेरा जो है मिशन एक खतरनाक प्लान चलता है, गारंटेड एडमिशन प्लान, जिसके अंदर एडमिशन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, उसके अंदर जो आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।